जैसे कि हम सबको मालूम है कि 8 मई थैलेसीमिया इंटरनेशनल डे के तौर पे मनाया जाता है दुनिया भर में, उसके लिए फेथ ने पूरा महीना अवेयरनेस कैंपेन चलाने का प्रोग्राम किया है, जिसका पहला सिलसिला आज ये सेशन है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, हमारे साथ डॉक्टर असिम के भाई हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन, ये एक वो फाउंडेशन है जो थैलेसीमिया के बच्चे चाहते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, हमारी रजिस्ट्रेशन किसी तरह आप ही वहाँ करवा दें। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पे जो पूरी छत के नीचे एक ICU, एमरजेंसी क्लिनिक्स, डॉक्टर हर वक्त मौजूद है, 24 घंटे मौजूद है, तो ये पाकिस्तान के लिए किसी एजाज से कम नहीं है। और बिल्कुल मुफ्त फ्री सर्विसेज दी जा रही हैं बिना किसी तफरीक, मतलब ये कि ना मजहब, नस्ल या आप किस सेंटर से आए हैं ये भी नहीं देखा जाता। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज है कि उनके फाउंडर और हमारे साथ वो डॉक्टर मौजूद हैं आज। और सेकेंडली हमारे साथ डॉक्टर आयशा शेख, पिछले 3 या 4 साल से बिना किसी गर्ज के, बिना किसी मुआवजे के थैलेसीमिया पेशेंट्स जो फेथ के मेंबर्स हैं उनको फ्री में देख रही हैं, उनको फॉलोअप दे रही हैं, और बाकी जो है ये आखिर में अपना कंसल्टेशन देती हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो वहाँ भी जा सकते हैं। बहुत खुशी हो रही है आप सबके दरमियान आज, और आयशा का बहुत शुक्रिया। आयशा मेरी बहुत पुरानी अब तो कहना चाहिए कि तो नहीं आयशा अच्छा थैलेसीमिया के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ थोड़ा सा ये मैं कहना चाहूँगी कि एक तरफ तो जाहिर है हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन और हीमोग्लोबिन मेंटेन करने की बात करें, दूसरी तरफ जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन ओवरलोड है उसके बारे में भी सोच रहे हैं ना कि आयरन ओवरलोड, और आयरन ओवरलोड की वजह से ये सारे जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं या बोन हेल्थ के प्रॉब्लम्स या लिवर या हार्ट में जिस तरह आयरन जमा हो जाती है वो उसी वजह से होते हैं। तो उसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो ये कि हार्मोनल कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं थैलेसीमिया के अगर आयरन ओवरलोड है, यानी अगर आयरन ओवरलोड नहीं है तो वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अगर आयरन ओवरलोड है तो जो हमारे दिमाग के अंदर मास्टर ग्लैंड है हार्मोन पैदा करने का, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं, उसके अंदर आयरन जमा होती है, जिसकी वजह से बच्चों में बलोगत का देर से होना या बलोगत के लिए फिर इलाज की ज़रूरत पड़ना वो मुमकिन है। सबसे ज़्यादा यानी पिट्यूटरी अगर इन्वॉल्व हो तो बलोगत वाले हार्मोन्स, और दूसरा ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जब मुतासर होगा तो फिर कद का जो है वो जितना एक एवरेज हाइट है जो आपके वालदैन के लिहाज से हर शख्स की एवरेज हाइट है ना वो पेरेंट्स की हाइट के लिहाज से डिटरमिन होती है, तो वो हाइट कम रह सकती है। दूसरा ये कि थायराइड ग्लैंड उसके बाद आ जाता है कि तीसरा कॉमनेस्ट ग्लैंड जो इन्वॉल्व होता है, थायराइड ग्लैंड जो आपके नेक में है, थायराइड हार्मोन्स भी जो किसी के ज़रूरी हार्मोन्स हैं अगर उनमें आयरन डिपॉजिट होगी तो थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। अच्छा उसकी कमी को रिप्लेस करना बहुत ईजी होता है, यानी उसकी गोलियाँ जो कि आराम से ली जा सकती हैं। इसके अलावा जो चौथी एंडोक्राइन प्रॉब्लम जो कॉमन होती है वो अमूमन 20 साल की उम्र के बाद डेवलप हो रही थी, जो कि जब लबदबे में आयरन ओवरलोड हो जाएगी, जब लबदबे के अंदर आयरन अगर जमा हो जाएगी तो लबदबे का काम क्या है, कोई साइंस का बच्चा है यहाँ पे? लबदबा या पैंक्रियाज, हाँ इंसुलिन का नाम सुना है? इंसुलिन जो आपके जिस्म में ग्लूकोज को मतलब मेंटेन रखती है लेवल को, तो इंसुलिन की जब कमी होती है तो डायबिटीज़ का खतरा होता है। अच्छा ये वाली डायबिटीज़ है ना, ये वो वाली डायबिटीज़ नहीं है जो आप अमूमन सुनते हैं, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़, ये सेकेंडरी डायबिटीज़ है कि एक वजह से डायबिटीज़ हो रही है, लेकिन चूंकि इसके अंदर पैंक्रियास के जो इंसुलिन पैदा करने वाले मैकेनिज्म है वो सारे मुतासर हो रहे हैं, तो इस वाली डायबिटीज़ की भी ट्रीटमेंट में हमें इंसुलिन ही देनी होती है। अच्छा एक तो ये वाली, और इसके अलावा फिर हार्मोन्स के जो पैराथायराइड ग्लैंड का जो हमारा है, यानी कि जो हार्मोन हमारे जिस्म में कैल्शियम का लेवल और जिस्म में जो हड्डी की मजबूती है उसको डिटरमिन करते हैं, वो भी मुतासर होते हैं, और विटामिन डी के जब इसी में कमी है तो वो ये वाली जो डिफिशेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही होती है। अच्छा इसके अलावा थैलेसीमिया में चूँकि जिसम की जो ऑक्सीजन, खून की ऑक्सीजन लेके जाने की सलाहियत है वो मुतासर, जिसम लो ऑक्सीजन लेवल से एक्सपोज हो रहा होता है उसकी वजह से भी बोन्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पता है कि ये हो सकती है, लेकिन उनको हम फिर स्क्रीन भी करें टाइम से, यानी स्क्रीनिंग अमूमन बच्चों में 12 साल की उम्र में शुरू हो जानी चाहिए, जिसमें हार्मोन्स के कुछ टेस्ट होते हैं, उसके लिए पूरे जो हीमेटोलॉजी एसोसिएशन उन्होंने एल्गोरिदम्स बनाए हुए हैं, पीड्स एंडोक्राइन वाले भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो कि किस किस स्टेज पे कौन कौन से हार्मोन्स के लेवल्स चेक करना ज़रूरी है, और अगर जिसकी कमी पक्का पता चलता जाए उसको रिप्लेस करते जाएं। इसी तरह बोन हेल्थ के लिए
जिससे हमें विटामिन डी का लेवल सही रहे, कैल्शियम का लेवल सही रहे, और उसको उसके लिहाज से ना उसकी स्क्रीनिंग, अच्छा स्क्रीनिंग हमें रेगुलर इंटरवल्स पे करनी होती है। यानी अगर हमने फर्ज करें कि 12 साल की उम्र में स्क्रीन किया किसी बच्चे को और वो सारे लेवल्स अभी ठीक थे, तो फिर हमें एक साल बाद फिर से स्क्रीन करना ही होगा बच्चों को, ठीक है। अब आपके लेवल पे आपने क्या करना है कि ये चीजें ना हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं, किसी के जहन में कोई आइडिया है? आयरन कंट्रोल करना है, और आयरन कंट्रोल करने में मुझे लगता है सबसे ज्यादा आप लोग जो है ना वो परेशान होते हो। ब्लड ट्रांसफ्यूज तो करवा लेते हैं क्योंकि उसके बगैर तकलीफ ज्यादा होती है, लेकिन आयरन चूंकि आम हालात में तकलीफ नहीं कर रही होती तो उसको आप लोग इग्नोर कर रहे होते हो ना, तो इसका बहुत ध्यान करना है कि जितनी अच्छी आयरन चिलेशन होगी, जितना अच्छा आयरन का लेवल कंट्रोल में रहेगा, उतना जो है आपके हॉर्मोन्स के प्रॉब्लम्स होने से आप बचे रहोगे, ठीक है। तो ये जितने भी वालदैन भी यहाँ पे हैं, पेशेंट्स हैं, आप सबको इस चीज़ के बारे में फिक्र करनी है। और आयरन ओवरलोड कंट्रोल करने से ना सिर्फ ही के हॉर्मोन्स के प्रॉब्लम्स और हड्डियों की जो है वो मजबूती सही रहेगी, इसके अलावा जो जिगर पे और दिल पे आयरन ओवरलोड का इफेक्ट है उससे भी इंसान बच सकता है ना। तो इसके लिए आप लोगों को कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, और आपके साथ एक सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि थैलेसीमिया के बावजूद भी लोगों ने माशाल्लाह भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। इवन अभी आयशा से डिस्कस हुआ था कि मुझे रिकॉल में गई थी कि फेथ में जब हम गए तो वहाँ पे एक पेशेंट ऐसी भी मिली जिनके बच्चे भी हैं, तो यानी वो सब मुमकिन है। तो थैलेसीमिया होने का ये मतलब नहीं है कि हमने सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे फोकस करना है और बाकी ज़िंदगी हमारी ठप होकर बैठ गई, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा हम अपनी बाकी चीज़ों की भी केयर करेंगे, क्योंकि आप सब लोग जितने भी थैलेसीमिया के पेशेंट से मेरे आज तक मुलाकात भी है, आप लोगों का जो कहना चाहिए कि बीमारी के बारे में मालूमात, दूसरा इवन कहना चाहिए कि ज़िंदगी के जो अप्रोच है ना वो बहुत पॉजिटिव होती है, जो मैंने नोट किया। अब आप लोगों ने थोड़ा सा बस इस पे फोकस करना है कि अपनी आयरन ओवरलोड से भी बचना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें